डिवीजन, इन सबके प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि कुछ सवाल करके दिखाया था, दो तीन सवाल करके दिखाया था। तो आई होप कि वो वीडियो में जो भी मैंने बताया वो क्लियर हो और आप सबने वो होमवर्क किया हो। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि बहुत पहले जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था, मैंने टोल्ड ऑल ऑफ यू गाइस कि फॉर एनी रियल नंबर देयर इज अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब है कि अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें तो नंबर लाइन में हम कोई भी पॉइंट उठा लें, वो पॉइंट कोई ना कोई एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एंड व्हाट आई मीन बाय रियल नंबर्स इज नेचुरल नंबर, इट कैन बी होल नंबर, इट कैन बी एन इंटीजर, और इट कैन बी अ रैशनल नंबर, और इट कैन बी एन इरेशनल नंबर। तो ये जो चारों टाइप के नंबर्स का जो सेट है, इन सबको मिला के रख सकते हैं रियल नंबर्स, और नंबर लाइन में ये चारों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। नेचुरल नंबर को कैसे दिखाना है या नेगेटिव आई मीन इंटीजर्स को कैसे दिखाना है, दीस थिंग्स आर वेरी सिंपल एंड आई थिंक एवरीवन नोस दैट। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, रैशनल नंबर को कैसे दिखाना है ये भी होपफुली आप जानते होंगे। फ्रैक्शन है तो जैसे मान लो कि 2 होल 3/5, सो 2 होल 3/5 दो और तीन के बीच में होगा, तो हम क्या करेंगे दो और तीन के बीच में 5 इक्वल डिविजन्स बनाएंगे, और पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा पॉइंट होगा वो मेरा दो के बाद दो और तीन के बीच, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है तो हमने 5 इक्वल डिविजन्स बनाने हैं, और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट होगा वहां पे वो हो जाएगा 2 होल 3/5। तो इस तरीके से आप रैशनल नंबर्स को दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे। मूविंग फॉरवर्ड, इरेशनल नंबर्स को कैसे दिखाना है ये थोड़ा सा आइडियल आता है, बिकॉज ऐसे हो कि इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो न तो अपने आप को रिपीट करता है और ना ही वो कभी खत्म होता है। तो अब इरेशनल नंबर्स को कैसे दिखाना है, ओके, सो फर्स्ट थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू क्लियर इज दैट आप सबको पता होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम सबने सुना होगा, है राइट एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं जहां पे एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो जैसे कि एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं ये कहूं कि परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों ही है 1 यूनिट, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों है 1 यूनिट, तो मेरा हाइपोटेन्यूस कितने का होगा। तो हाइपोटेन्यूस by applying the Pythagoras theorem, which says that the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of perpendicular and base, which the x square equal to b square plus d square. तो वहाँ से जब आप x square, which in this case is ac, जब आप ये निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 units, ठीक है। तो ये है Pythagoras theorem, और exactly इसी simple theorem को, I mean जो हाइपोटेन्यूस निकालने वाला जो कांसेप्ट है, इसी चीज को हम यूज करते हैं इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन को दिखाने में। कैसे यूज कर सकते हैं देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है इरेशनल नंबर जो सबसे छोटा और सबसे सिंपल माना जाता है, माना क्या जाता है, इंट्यूटिवली वी कैन से दैट द रूट 2 इज द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, यानी रूट 1 तो 1 ही होता है, रूट 2 पहला इरेशनल नंबर हमें मिलता है। उसके बाद आप रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, सबको दिखा सकते हैं नंबर टाइम पे। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रूट 2 जो सबसे छोटा इरेशनल नंबर है उसको कैसे दिखाएंगे, एंड देन मैं आपको ये बताऊंगा कि इन जनरल अगर कोई भी इरेशनल नंबर दिया गया है, रूट के अंदर कुछ भी डाल दिया गया हो, भले ही वो डेसिमल का नंबर क्यों ना हो, तो उसको हम कैसे नंबर टाइम पे दिखाएंगे। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली आपको यही बताऊंगा कि हम रूट 2 को नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे, और उसके बाद रूट 3, रूट 5, रूट 7 एक साथ उसी में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अंडर रूट एक्स, दैट एक्स कैन बी एनीथिंग, कोई भी डेसिमल नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसको हम रूट नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए मैंने अभी भी बोला कि हम इसी थ्योरम को, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे नंबर लाइन में दिखाने में रूट 2 को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबर लाइन एक बना लेते हैं, ये है मेरा नंबर लाइन, इसको हम नाम दे देते हैं x डैश, ये बीच का o और ये x,
दे सकते हैं कुछ भी। तो ये जो ओ पॉइंट है ये है मेरा जीरो, इसको यहां जीरो एंड दिस इज ओ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ये चीज यूज करना है तो आप क्लियरली ये चीज बोल सकते हैं, थोड़ा समझ में रखते हैं। कुछ बच्चों को मैंने ऑलरेडी क्लास में बताया भी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो पॉइंट से जो मेरा मिड पॉइंट है, जो मेरा सेंटर जहां हमने माना है ओरिजिन, वहां से हम वन यूनिट डिस्टेंस का एक लाइन सेगमेंट मार्क कर लेंगे। तो यहां से वन यूनिट डिस्टेंस का मान लीजिए कि आपका यहां आ रहा है एक लाइन सेगमेंट, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ, सॉरी ए। फिर इसके बाद टू थ्री फोर टू आगे आएगा, तो मान लो कि यहां पे आया टू और यहां पे आया थ्री, तो ये है मेरा वन, इसको हमने नाम दिया है ए, ठीक है। तो ये जो जीरो से ये जो ओ ए है, ध्यान रखिए ये जो ओ ए है, ये ओ ए है कितना, वन यूनिट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो वन यूनिट लेंथ का होगा। कर सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, बेसिकली यहां पे आपको 90 डिग्री बनाना है और एक लाइन खींचनी है और उसमें वन यूनिट, जितना आपने, अब वन यूनिट से ये मत समझना कि वन सेंटीमीटर या वन मीटर, वन यूनिट कहने का मतलब ये है कि कुछ भी, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं आप, मीटर भी ले सकते हैं, यूनिट सेम रखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन यूनिट लेते हैं तो हर जगह वन यूनिट को वन सेंटीमीटर ही मानना है, तो आपका जो रूट टू आएगा वो रूट टू सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे दो सेंटीमीटर को वन यूनिट बोल रहे हैं तो दो सेंटीमीटर हर जगह वन यूनिट हो जाएगा, तो वो आप पे निर्भर करता है आप कैसे उसको वन यूनिट, किस किस लाइन सेगमेंट, कितने लेंथ को आप वन यूनिट कहना चाहते हैं, आप फ्री है इस चीज को डिसाइड करते हैं। सो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ए पॉइंट पर एक वन यूनिट का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए कि ये मेरा एक लाइन सेगमेंट है विच इज ऑफ वन यूनिट, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी, दे सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओ से पी को मिला देंगे, ठीक है। तो यहां देखिए ये 90 डिग्री है, ये वाला ए बी वन यूनिट है, ओ ए भी वन यूनिट है, तो इस ट्रायंगल के काफी सिमिलर है ये ट्रायंगल, तो आप देख के बता सकते हैं कि ओ बी कितना होगा, ओ बी होगा रूट टू यूनिट्स, रूट टू यूनिट्स, ठीक है, ओके। अब आप क्या कीजिए, कंपास में पेंसिल घुसाइए, कंपास का नीडल यहां रखिए और पेंसिल को यहां लेके आइए, ठीक है। अब अगर आप नीडल को यहां रखते हुए पेंसिल को यहां यहां लेके आते हैं और अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो जो सर्कल बनेगा उस सर्कल की रेडियस होगी रूट टू यूनिट्स, क्योंकि नीडल यहां है पेंसिल यहां है, तो रूट टू यूनिट का आपने सर्कल बनाया, तो वो जो सर्कल, मान लीजिए कि ये सर्कल आपने ऐसे ऐसे बनाया और उस सर्कल ने लाइन नंबर लाइन को इस पॉइंट पे काटा, कहीं ना कहीं तो काटेगा, या आप यहां से रख के ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करिएगा तो कहीं ना कहीं तो वो नंबर लाइन को कट करेगा, तो ये रूट टू है, ये भी सर्कल हमने बनाया है, तो ओ से लेके जो ये पॉइंट है जैसे इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी, तो ओ सी भी रूट टू यूनिट होगा। तो यहां मेरा ए बी था वन यूनिट और मेरे को मिल गया ओ बी बराबर ओ सी बराबर रूट टू यूनिट। तो देख सकते हैं आप बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे रूट टू को रिप्रेजेंट कर दिया, पहले वन फिर वन परपेंडिकुलर फिर जोड़ेंगे तो वो रूट टू आए, फिर वहां से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो सर्कल नंबर लाइन को सी पॉइंट पे कट करेगा एंड ओ सी विल बी इक्वल टू रूट टू यूनिट्स, ठीक है। फर्दर अब इसी चीज को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाए, ठीक है, तो यहां से हमको रूट थ्री रूट फोर रूट फाइव रूट सिक्स रूट सेवन रूट एट रूट नाइन सारे नंबर हम दिखा सकते हैं, कैसे देखिए। पहले अब मान लीजिए कि जैसे मैंने वहां पे ट्रायंगल बताया था आपको वन वन यूनिट का और रूट टू का हाइपोटेन्यूस आया था, तो मान लीजिए कि एक ऐसा ट्रायंगल है आपके पास जिसका एक ये रूट टू है और ये वन है, तो यहां पे कैलकुलेट करके बताइए कि इसका हाइपोटेन्यूस कितना आएगा, इसका हाइपोटेन्यूस आएगा थ्री। तो फिर इसी चीज को हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, यहां पे मेरे पास टू यूनिट्स का एक लाइन सेगमेंट है, तो हम क्या करेंगे इस ओबी पे, इस ओबी पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वन यूनिट का, ये वन यूनिट है, थोड़ा सा और आई थिंक दिस विल बी इनफ, ओके।
थोड़ा सा और बड़ा, ठीक है ये लेंगे। तो मान लीजिए कि ये है मेरा परपेंडिकुलर ऑफ ओबी, फिर से हम क्या करेंगे इसको, इस पॉइंट को हम जोड़ देंगे ओ से, ये पॉइंट को डैश से भी नाम दे दिया हमने डी, ठीक। तो ये ओबी है टू यूनिट, डीडी है वन यूनिट, डीडी कितना है, डीडी है वन यूनिट, तो ओबी है टू, बीडी है वन, तो ये ओडी होगा, ये जो ओडी होगा ओडी, ये ओडी स्क्वायर क्या आएगा, ओडी स्क्वायर आएगा ओबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, तो ओबी कितना है, ओबी है टू, तो ओबी का स्क्वायर हो जाएगा टू, प्लस बीडी है वन, तो बीडी का स्क्वायर हो जाएगा वन, ये मिलकर आ गया थ्री, तो ओडी स्क्वायर अगर थ्री है तो ओडी कितना होगा, ओडी होगा थ्री यूनिट्स। कैलकुलेशन से हमको ये मिल गया कि ओडी है रूट थ्री यूनिट्स। अब फिर से वही चीज कि लीडर को यहां रखना है, पेंसिल को यहां रखना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है, वो सर्कल जहां पे भी इस नंबर लाइन को कट करेगा वो आपका हो जाएगा रूट थ्री। तो ये आपका हो गया, मान लीजिए इसको बी डैश बोल देते हैं, इसको डी डैश बोल देते हैं, ओसी जो है इसको बोल देते हैं बी डैश, ठीक है। तो देखिए ओबी था रूट टू, घुमाया बी डैश मिला वो भी है रूट टू, वैसे ही ओडी हमने रूट थ्री बनाया, कैसे, रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये ओडी है रूट थ्री। फिर इसको हम इसका इस रेडियस का जब सर्कल ड्रॉ करेंगे वो जहां पे भी नंबर लाइन को कट करेगा ये भी हो जाएगा रूट थ्री, तो आपका ओडी डैश डैश ये भी आ गया रूट थ्री यूनिट्स। और ये जो मेरा ओडी डैश है और ये जो मेरा ओबी डैश है ये दोनों ही नंबर लाइन है। तो इसी तरीके से आप आगे मूव ऑन करते हुए अब क्या करेंगे, अगर रूट फोर दिखाना है तो रूट फोर बड़ा सिंपल है, वो जो टू होता है, बट अगर आपको ये चीज चेक करना है कि अगर मैं इस तरीके से रूट फोर बनाऊं और वो रूट पे आया कि नहीं आया, तो आप कर सकते हैं क्या करना होगा, इस ओडी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए वन यूनिट का, फिर वो से उसको ज्वाइन कर दीजिए उसके एक पॉइंट को, और फिर वहां से उस रेडियस को सर्कल उस लाइन सेगमेंट को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो सर्कल लाइन नंबर को टू पे कट करेगा, तो वहां से आपका रूट फोर आ जाएगा। फिर आप वैसे ही एक एक यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते चले जाइएगा आगे, तो रूट फाइव रूट सिक्स रूट सेवन रूट एट रूट नाइन विच इज थ्री वो भी आगे जाएगा। तो एक चीज ध्यान में रखनी यहां पे बहुत जरूरी है कि अगर आपको टू का रूट दिखाना है, आई मीन अगर आपको रूट टू दिखाना है नंबर लाइन पे, तो उसके लिए पहले आपको रूट वन होना चाहिए प्रेजेंट नंबर लाइन। तो ये जो देखिए ये जो ओए है ये रूट वन है, कह सकते हैं ये वन है रूट वन भी है, तो रूट टू दिखाने के लिए नंबर लाइन पे मेरे पास रूट वन पहले से था, ठीक। वैसे ही रूट थ्री दिखाने के लिए मेरे पास पहले से रूट टू था, तो वैसे ही रूट फोर दिखाने के लिए आपको पहले से रूट थ्री चाहिए, रूट फाइव दिखाने के लिए आपको रूट फोर चाहिए, बट एक्चुअली रूट फाइव अब आया था रूट फोर तो टू होता है, तो क्या करोगे ओ से ये जो टू पॉइंट है दूसरे पॉइंट में एक यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और उसका जो सर्कल ड्रॉ करेगा जहां भी नंबर लाइन हो वो आपका रूट फाइव जाएगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई नंबर दिखाना है जैसे कि x रूट x, इफ यू हैव टू शो रूट x ऑन द नंबर लाइन, देन व्हाट यू नीड इज यू नीड अंडर रूट x माइनस वन ऑन द नंबर लाइन। अगर आप अंडर रूट x माइनस वन आपके पास है तभी आप फर्दर आगे जाके रूट x को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। याद रखिए यहाँ पे रूट x जो x है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, क्योंकि अब तक मैंने आपको डेसिमल का नहीं बताया, तो डेसिमल का मैं बताऊंगा आगे जाकर। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा, इसमें फर्दर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो वो ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से आप रूट फाइव रूट सिक्स रूट सेवन निकाल सकते हैं और x
एक्सरसाइज 1E, ठीक है, एक्सरसाइज 1E है, उसका आप इस कंसेप्ट को यूज करके एक्सरसाइज 1E से, और ये मैं आंसर के बाद की बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज 1E से आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इतना सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 ये आप कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ये काफी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टू टेक्स्ट कैसे